धारणा बनी हुई है कि माइग्रेन्स आर अनट्रीटेबल, मतलब जनरली लोगों को भी यही लगता है कि जी मुझे तो माइग्रेन है एंड इट इज अनट्रीटेबल, और बहुत सो नॉट एवरीवन बट मोस्ट ऑफ द टाइम पे जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजिशियंस के पास जाते हैं, तो उनको बोल दिया जाता है कि आपको तो माइग्रेन है जी, इसका कोई इलाज नहीं है, तो ये तो आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा, ऐसे ही जीना पड़ेगा, ये पेन किलर ले लीजिए, जब माइग्रेन हो तो आप पेन किलर ले लीजिए. दैट इज नॉट राइट. बुक वेरी क्लियरली डिस्क्राइब्स द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन. बुक कहती है आप पहले पेशेंट को देख के आइडेंटिफाई कीजिए कि उसे माइग्रेन है, और अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं माइग्रेन है, देन ये दवाई दीजिए जिसमें कि पेन किलर नहीं है पार्ट ऑफ दैट मेडिकेशन, ये दवाई दीजिए और उससे धीरे धीरे माइग्रेन्स जो है वो सेटल हो जाते हैं. Hello everyone, this is Vidushi and you are watching the Good Health Show, and today we are going to talk about migraine, and for that we have Dr. Anshul Gupta ji with us. Hello sir, Thank welcome you. Back in the show. Kaise hain sir aap? Yeah, bilkul theek hoon, all well. सर आज हम माइग्रेन के ऊपर बात करने वाले हैं, और माइग्रेन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एक हेडेक है और लाइट साउंड ये छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ट्रिगर हो जाता है. तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि माइग्रेन प्रॉब्लम क्या है और इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं. सो देखिए, हमारे बहुत अलग अलग तरह के सर दर्द होते हैं, उनमें से एक बहुत कॉमन और बहुत परेशान करने वाला सर दर्द है जिसे माइग्रेन कहते हैं. कई बार लोग हर हेडेक को माइग्रेन बोल देते हैं, पर हर हेडेक माइग्रेन नहीं होता. माइग्रेन टिपिकली वो सरदर्द है जो अपनी मर्जी से सडनली आता है, दो तीन दिन रहता है, उसमें बहुत तेज़ सरदर्द होता है. किसी भी पेन किलर खाने से पेशेंट को जनरली आराम आना मुश्किल होता है, एंड उसको वॉमिटिंग्स का फीलिंग होता है. उसका मन करता है कि मैं सब लाइटें बंद करके अपने सर पे टाइट कुछ बैंडेज सी बांध के बस लेटा रहूँ, कोई मुझे परेशान ना करे, और वो तीन चार दिन में अपने आप चला जाता है. फिर वो हफ्ते में, दस दिन में, पंद्रह दिन में दोबारा आता है और दोबारा उसे परेशान. ओके, तो सर जैसे आपने बताया कि माइग्रेन आता है चला जाता है, तो ये इसके सिम्टम्स हो गए, लेकिन इसका कोई कारण है स्पेसिफिकली, मतलब माइग्रेन हमारे माइंड में हमारी ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम अकर करती है? तो बहुत सारी थ्योरीज हैं जिसकी वजह से कहते हैं माइग्रेन होता है, बट कोई भी थ्योरी उसको कंक्लूसिवली नहीं बता सकती कि क्यों होता है. तो जनरली ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं लोगों के साथ जो माइग्रेन्स को ट्रिगर करते हैं. कुछ लोग कहते हैं हमारे को धूप में जाने से माइग्रेन होता है, कोई कहता है चॉकलेट खाने से होता है, कोई कहता है लाउड म्यूजिक से होता है, नींद ना आने से होता है. सो ऐसा कोई स्पेसिफिक फैक्टर नहीं है, हर इंसान को आइडिया होता है कि उसको इस वजह से माइग्रेन होता है. ओके, स्ट्रेस भी इसका फैक्टर हो सकता है? वेल, स्ट्रेस माइग्रेन्स कॉज नहीं करता, स्ट्रेस हेडेक करता है, जिसको लोग अक्सर माइग्रेन से कंफ्यूज करते हैं. बट हाँ, अगर किसी को माइग्रेन की टेंडेंसी है तो स्ट्रेस से वो टेंडेंसी की वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी माइग्रेन होने की. ओके ओके, एंड सर माइग्रेन जो एक नॉर्मल हमें हेडेक होता है उससे कैसे डिफर करता है? सो एक जनरल हेडेक जो हमारे को होगा वो हेडेक किसी कारण से होगा. हमारे को जनरली पता होगा कि हम रात को सोई नहीं है तो हमें हेडेक हो गया, या फिर वो हेडेक ऐसे डल एकिंग टाइप का होता रहता है. जनरली नॉर्मल हेडेक्स नोजिया वॉमिटिंग के साथ एसोसिएटेड नहीं होते हैं, और ऐसा नहीं होता कि वो हर दो तीन दिन में आए तक रहें और फिर चले जाएं और फिर आएं सेम सीवियरिटी के साथ. वो होते हैं फिर कभी महीने भर बाद कभी हो जाते हैं, तो वो उनका अलग पैटर्न होता है. ओके, एंड माइग्रेन अगर हमको है तो वॉमिटिंग हो सकती है, नौशिया. वॉमिटिंग बहुत कॉमन है एक्चुअली, हेडेक होने के साथ वॉमिटिंग होना एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है कि वो माइग्रेन है. ओके, एंड सर अगर हम ट्रीटमेंट्स की बात करें तो व्हाट आर द अवेलेबल ट्रीटमेंट्स फॉर माइग्रेन? ये चीज़ है जो मैं बहुत बहुत कहता हूँ, बहुत समझाता हूँ, मैंने बहुत फोरम्स में बात बोली भी है. एक धारणा बनी हुई है कि माइग्रेन्स आर अनट्रीटेबल, मतलब जनरली लोगों को भी यही लगता है कि जी मुझे तो माइग्रेन है एंड इट इज़ अनट्रीटेबल, और बहुत सो नॉट एवरीवन बट मोस्ट ऑफ द टाइम पे जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजिशियंस के पास जाते हैं, तो उनको बोल दिया जाता है कि आपको तो माइग्रेन है जी, इसका कोई इलाज नहीं है, तो ये तो आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा, ऐसे ही जीना पड़ेगा, ये पेन किलर ले लीजिए, जब माइग्रेन हो तो आप पेन किलर ले लीजिए. दैट इज़ नॉट राइट. बुक वेरी क्लियरली डिस्क्राइब्स द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन. बुक कहती है आप पहले पेशेंट को देख के आइडेंटिफाई कीजिए कि उसे माइग्रेन है,
और अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं माइग्रेन है, देन ये दवाई दीजिए जिसमें कि पेन किलर नहीं है पार्ट ऑफ दैट मेडिकेशन, ये दवाई दीजिए और उससे धीरे धीरे माइग्रेन्स जो है वो सेटल हो जाते हैं। ओके, सो माइग्रेन ट्रीटेबल है और डरने वाली बात इसमें ऐसी कुछ मेजर नहीं है। सर अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो क्या हम माइग्रेन को प्रिवेंट कर सकते हैं? अगेन जैसा मैंने कहा, मोस्ट ऑफ द लोगों को कोई ना कोई ट्रिगर फैक्टर है ये पता होता है, तो अगर आपको आपका ट्रिगर फैक्टर मिल गया है तो कोशिश कीजिए उस ट्रिगर फैक्टर को हटाने की, तो उससे आपको माइग्रेन नहीं होगा। मैं ऐसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी 3-4 दिन पहले देयर वाज अ लेडी जिसको बहुत माइग्रेन होता था, एंड वी स्पोक टू ईच अदर, हमने काफ़ी बात करी क्या है, तो वी रियलाइज कि वो वर्क करती हैं और वो सुबह जल्दबाजी में बिना खाना खाए या नाश्ता करे जब भी जाती हैं तो वो उनको 2-3 बजे से हेडेक होने लग जाता है, एंड देन इट टर्न्स इनटू अ माइग्रेन। सो मतलब ये है कि जब वो खाली पेट रहती हैं तो उनको माइग्रेन प्रेसिपिटेट होता है। सो अगर ऐसा आपको कुछ मिलता है तो आपको उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, तो आपके प्रॉबेबली माइग्रेन के एपिसोड्स कम हो जाएंगे। ओके, एंड सर अगर डायग्नोसिस की बात करें तो क्या ऐसे टिपिकली टेस्ट हैं जो हम माइग्रेन हमें है या नहीं उसको जानने के लिए कर सकते हैं? तो माइग्रेन का कोई टेस्ट नहीं है, माइग्रेन इज टोटली बेस्ड ऑन क्लिनिकल एक्यूमेन। जब आप पेशेंट से बात करते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके सिम्टम्स समझते हैं, तब एक डॉक्टर ही बता सकता है कि हाँ जी इनको लगता है माइग्रेन है। कोई MRI, कोई CT, कोई EEG नहीं बता सकता कि माइग्रेन है। बहुत बार हेडेक के पेशेंट्स में हम स्कैन इसलिए कराते हैं कि हमें ये क्लियर करना होता है कि यार माइग्रेन मैं सोच रहा हूँ, कुछ और तो नहीं है जो मैं मिस कर जाऊँ। मान लीजिए कोई पेशेंट है जो मुझे ऐसी हिस्ट्री दे रहा है जिसमें मैं थोड़ा प्लस माइनस हो रहा हूँ कि इसको माइग्रेन है कि नहीं है, देन आई वुड एक्चुअली आस्क देम कि आप एक स्कैन करा लीजिए, कि ऐसा ना मैं आज माइग्रेन सोच के ट्रीट करना शुरू कर दूं और कल को भगवान ना करे कुछ और निकल जाए। एग्जैक्टली। सर अगर जेनेटिक्स की बात की जाए तो क्या ये जेनेटिकल भी हो सकता है माइग्रेन, मतलब हेरिडिट्रीज में क्या रोल प्ले करती है? ऐसा प्रूवन नहीं है कि जेनेटिक इन्फ्लुएंस इसमें है, बट ऐसा देखा गया है कि मदर से डॉटर में कॉमन है ये चीज़। क्यों है थोड़ा कहना मुश्किल है, वी हैव नॉट बीन एबल टू प्रूव दैट, बट या तो उनके घर के सर्कमस्टांसेस, उनका लाइफस्टाइल शायद सेम होता है, शायद उस वजह से है, बट देर इज नो ऐसे कंक्रीट बेसिस नहीं है इस चीज़ का। ओके, बट ऐसा देखा गया है कि जेनेटिकल भी ये आता है होता सामने। है जी। ओके सर अगर मेडिकल अटेंशन की बात करें, लाइक अगर किसी को माइग्रेन हो गया है तो ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं कि जब आपको डॉक्टर को दिखा ही देना चाहिए? क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि नॉर्मल हेडेक है, ओके लाइट से हो रहा है, लाइट बंद कर देते हैं, या फिर कुछ खाया कि चलो अब ये नहीं खाएंगे, तो ऐसा कौन सा ट्रिगर पॉइंट है कि जब हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए?